हम इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ लगता है हमारा ही इत्माद है जस्टिस आमिर फारूक से, तो वो हमारी कदर करें और इंसाफ दे दें, मैं यही कह सकती हूँ। आज जो समाज, जैसे आप सलमान सफदर साहब को सुन रहे थे, वो बता रहे थे, डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला, उसने डोनाल्ड लू ने कांग्रेशनल कमेटी के आगे झूठ बोला, या वो झूठ बोल रहे हैं या हमारे जो बहुत एक अहम और बड़े ईमानदार डिप्लोमेट हैं और बड़े अहम थे हमारे डिप्लोमेटिक सर्विस में, और वो या असद मजीद झूठ बोल रहे हैं। ये फैसला उनको करने की जरूरत नहीं, अगर आप यहाँ केस को सुनते तो आपको पता चलता कि जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये कोई इसमें मैं कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये जो साइफर केस है ये इधर ही एक दो दिन में खत्म हो जाएगा, जिसमें 10-10 साल की और आपको गद्दारी के चार्जेस लगाए हुए वो तो मेरे ख्याल में दफन हो जाएंगे, जैसे आपको सलमान सफदर ने बताया। लेकिन जो बहुत अहम चीज है, डोनाल्ड लू जिसको बचाने के लिए ये केस किया गया है, और दूसरा जो इधर पाकिस्तान में है, जनरल बाजवा जिनको ये मैसेज भेजा गया था, और जितने साइफर की कॉपियां, 9 कॉपियां इन्होंने, सलमान सफदर ने, एक गवाह ने बताया कि 9 कॉपियां गई थी साइफर की, पूछे कि कितनी वापस आई हैं, सिर्फ इमरान खान और शाह महमूद को आपने कह दे दी 10-10 साल की, जो बाकी कॉपी है जनरल बाजवा की कॉपी वापस आई है, ये तो इन्होंने जरा अगर करने देते ट्रायल कोर्ट में तो सलमान सफदर ये भी पूछ लेते कि जनरल बाजवा की कॉपी किधर है जिनको ये मैसेज भेजा गया था। तो ये साइफर के ऊपर इंशाल्लाह अगर ईमानदारी से और हौसले से, और जो कुछ बाकी जजेस, 6 जजेस ने कहा है जस्टिस आमिर फारूक के बारे में, इसका तो फैसला करते हैं साइफर का, लेकिन जो बाकी केसेस ये संभाल के बैठे हैं इमरान खान के, बेहतर ये होगा कि वो बाकी जजेस के पास पास कर दें, उनके पास उनको बांट दें। इनका कोई जवाब नहीं बनता कि बाकी केसेस इमरान खान के साइफर के अलावा कोई केस सुने, तो इसे बेहतर होगा बांट दें और जल्द बांट दें ताकि साथ साथ बाकी भी केस सुने। मैडम ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ फैसले की गई हैं वो किसी दबाव का नतीजा थे? किसने, कौन से फैसले? जो जजेस ने इस वाली की बात करी है, 6 जजेस ने जो कौन सा फैसला नहीं किया, अब हमें क्या पता दबाव के नीचे है, हमें क्या पता किस वजह से, थोड़ा सा नीचे कीजिए, ये जजेस की जिम्मेदारी है, थोड़ा सा नीचे। इंसाफ तो हम जजेस से मांगते हैं, जो हमारे काजी होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप इंसाफ दें। अगर आप ये कहें कि जी मुझे दबाव था, ये किस किस्म की बात है, मुझे आपके एक अहद करके आते हैं कि आप अपने पाकिस्तानियों को इंसाफ देंगे, और फिर आप ये बहाना कहें, मुझे कहते हुए भी शर्म आए। इससे बेहतर है कि आप उठें उस कुर्सी से, या रिजाइन करके चले जाएं, या जो हमारे 6 बहादुर जजेस ने किया है कि मिल के इस चीज की गवाही दे दी है उन्होंने, और बेनकाब भी कर दिया है कि जो ये आमिर फारूक साहब कर रहे थे, जज साहब, मुझे तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ कि जब पूरा कोर्ट ही उनके पास साथ नहीं है, उनके जजेस उनके साथ नहीं है, वो अकेले खड़े हैं, वो फिर भी आके माशाल्लाह कोर्ट में बैठकर साइफर सुन रहे हैं। अच्छा अलीमा साहिबा, 6 जजेस ने तो अपना काम कर ही दिया है और आज सब लोग खुश भी हैं, लेकिन उस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लाए अमल तय नहीं कर रही, उस मजबूती के साथ जो है वो स्टैंड नहीं ले रही, क्या वजह समझती हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब जजेस इंसाफ नहीं देते, ये पाकिस्तानियों का मसला है सिर्फ या एक पार्टी का मसला है? अगर जब आप अपने जजेस के साथ खुद नहीं खड़े होंगे, ये पाकिस्तान का मसला है, कल आप और मैं, हम सब ने इन जजेस के सामने जाना है। जब एक दफा जजेस ने हिम्मत की है, हर पाकिस्तानियों को अपने ईमानदार और हिम्मत वाले जजेस के साथ खड़े होना चाहिए, और जो लॉयर्स हैं, जो आप कह रहे हैं लॉयर्स को, लॉयर्स जो जुडिशरी के लिए खड़े थे, जब लॉयर्स की मूवमेंट शुरू हुई थी, जब वो चौधरी इफ्तिखार के लिए खड़े थे, आज इन जजेस के साथ सारी एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, बल्कि हजारों लॉयर्स है पाकिस्तान में, मेरा तो ख्याल है उन सबको आज इनके साथ यकदेजी दिखानी चाहिए और सारे पाकिस्तान में इनको निकलकर इनका साथ देना चाहिए। आप समझती हैं जनरल फैज साहब ने जब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब पर प्रेशर डाला था, उस वक्त पीटीआई वाले उनका साथ देते तो आज आपको ये दिन फेस ना करना पड़ता? मुझे नहीं समझ आ रही आप कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे आप ऐसी
सवाल ये कर रहा हूँ, शौकत अजीज सिद्दीकी इसी हाई कोर्ट के जज थे, जनरल फैज ने कहा था कि मेरे कहने के मुताबिक फैसले करें, उस वक्त उनको पाकिस्तान तहरीक कौन से फैसले पनामा लीक हो रही है मैडम, मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको उस वक्त कटारे में खड़ा कर पनामा लीक आपको खोल के किसी ने देखा है? मैं जज की बात कर रहा हूँ जो जज ने खत लिखा है। मैं आपको बताती हूँ, जो जज था ना उसने डेफिनेटली गलती की थी, जो उसने जिस चीज के ऊपर इनको चार्ज किया था वो कुछ भी नहीं था, जो असली चार्जेस थे उस जज ने छोड़े थे। आप सही कह रहे हैं, अगर ये जज सही फैसला देते आज ये फारग ना फिर रहे होते, एक अकामे के ऊपर उसको चार्ज किया था, जो चोरी और डाका जो आप और मेरा पैसा लेकर गए ना उसके ऊपर चार्जेस नहीं थे। ऐसे फैसलों के सुधार के लिए फिर क्या मुमकिन है, क्या अगर कोई राय आपसे तलब की जाए, क्या मेरी राय क्या होगी? हम सारा दिन कोर्ट के अंदर खड़े होते हैं, हम सारा दिन जेलों में खड़े। मैं ये बता दूं, इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान को थोड़े से अच्छे जजेस मिल गए ना, पाकिस्तान की जो कहते हैं ना कि मुस्तकबिल बदल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।